हम आप लोगों का एप्पल की तरफ से लेटेस्ट आईफोन 11 देखने को मिल जाता है। अलबत्त अगर हम पास्ट में देखें तो आईफोन 1 से लेकर आईफोन 11 तक काफी सारी चेंजेस आई हैं। तो वेल इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि आईफोन 1 से लेकर आईफोन 11 तक जितने भी आईफोन आए हैं उन सब फोन में क्या क्या चेंजेस थी। तो वेल अगर मैं सबसे पहले मोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आईफोन 1 की। अब एप्पल 2007 में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एंटर कर चुका था, जहाँ पे उसने सबसे पहले अपना आईफोन लॉन्च किया था जो था आईफोन 1, जिसे ओरिजिनल आईफोन भी कहा जाता है। और ये काफी रिवोल्यूशनल मोबाइल यहाँ पे लॉन्च किया गया था और इनफैक्ट टाइम मैगजीन ने इसे इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था, बिकॉज इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो बाकी जितने मोबाइल उस टाइम मार्केट में चल रहे थे वो नहीं थी। क्योंकि उस टाइम आप लोगों को की पैड सारे मोबाइल देखने को मिल जाते थे और कोई भी टच स्क्रीन मोबाइल देखने को नहीं मिलता था किसी बड़े ब्रांड से। तो यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ द ईयर आईफोन 1 को कहा गया था। और इसी आईफोन 1 में आप लोगों को कैपेसिटिव टच देखने को मिल जाता था और काफी सारी ऐसी चीजें जो बाकी मोबाइल में नहीं होती थी। उसके बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन 3G, जहाँ पे आप लोग एडिशनली थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल कर सकते थे और जहाँ पे आप लोगों को इसी आईफोन 3G के अंदर GPS का भी सपोर्ट देखने को मिल गया था। फिर एप्पल की तरफ से आईफोन 3GS लॉन्च किया गया, जो कि लुक वाइज तो आईफोन 3G जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे S का मीनिंग था स्पीड। अब यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा इंप्रूव किया गया था, 3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी मिल जाती थी किसी भी आईफोन के अंदर। और इसके बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन 4, जिसके अंदर आप लोगों को काफी मेजर अपडेट देखने को मिल जाते थे, VGA फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता था और फर्स्ट टाइम आईफोन के अंदर एक रेटिना डिस्प्ले यूज किया गया था, जो अभी तक यहाँ पे एप्पल में यूज किया जाता है अक्सर। फिर यहाँ पे टाइम गुजरा और एप्पल की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुआ आईफोन 4S। अब यहाँ पे S का मीनिंग था सीरी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक असिस्टेंट यहाँ पे, जिसका नाम रखा गया था सीरी। अब एप्पल की ये AI बेस्ड असिस्टेंट काफी सक्सेसफुल हो गया था और इनफैक्ट अभी तक जितने एप्पल की प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसके अंदर आप लोगों को सीरी देखने को मिल जाता है। अब आईफोन 4S पहला मोबाइल था जहाँ पे आप लोगों को ड्यूल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, यहाँ पे कैमरा अपडेट किया गया था जहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था, जिसकी मदद से आप लोग 1080p रेजोल्यूशन की एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। और यहाँ पे एप्पल की तरफ से फर्स्ट टाइम आई मैसेज को भी इसी मोबाइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन 5, जहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते थे, जहाँ पे आप लोगों को एक बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाता था जो कि हो गया था 4 इंचेस का। अब रिसेंटली जितने भी आईफोन आ रहे थे वहां पे आप लोगों को 3.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता था। अब इसी आईफोन 5 के अंदर आप लोगों को लाइटनिंग कनेक्टर देखने को मिल जाता था, जो स्टिल अभी तक आईफोन 11 के अंदर चलता आ रहा है। और इसी के अंदर फर्स्ट टाइम 4G LTE भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया आईफोन 5S। अब इसके अंदर मेन चेंजेस किए गए थे टच आईडी। अब यहाँ पे आप लोगों को होम बटन के अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता था, फर्स्ट टाइम आप लोगों को 64 बिट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता था और ये आईफोन 5 का एक एडवांस वर्जन था। और इसके कुछ टाइम बाद ही एप्पल ने लॉन्च कर दिया आईफोन 5C। अब ये यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता था, जहाँ पे आप लोगों को ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक एंड व्हाइट कलर देखने को मिल जाते थे। अब ये थोड़ा सस्ता मोबाइल था इंस्टेड ऑफ आईफोन 5, जहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक बॉडी क्योंकि देखने को मिल जाती थी। और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे काफी सेल्स इसकी हुई थी इसके सस्ता होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलता था आईफोन 5 लेकिन सस्ता देखने को मिलता था क्योंकि इसकी प्लास्टिक बॉडी थी। इसके बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया आईफोन 6 एंड आईफोन 6 प्लस। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाता था, जहाँ पे आईफोन 6 के अंदर आप लोगों को 4.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती थी और आईफोन 6 प्लस के अंदर आप लोगों को 5.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पे आप लोगों को आईफोन 6 प्लस के अंदर कैमरा इंप्रूवमेंट काफी अच्छी देखने को मिल जाती थी, जहाँ पे एडवांस कैमरा को यूज किया गया था और यहाँ पे आप लोगों को OIS भी देखने को मिल जाता था, जहाँ पे से कहा जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर, और यहाँ पे आप लोगों को बिगर बैटरी देखने को मिल जाती थी। अब इसी आईफोन 6 के अंदर एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई थी इसके लॉन्च के फौरन बाद ही, जिसे कहा जाता था बैंड गेट। अब यहाँ पे अगर आप लोग आईफोन 6 को थोड़ा सा प्रेस करते थे तो ये बहुत जल्दी बैंड हो जाता था। फिर एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया आईफोन 6S एंड आईफोन 6S प्लस। अब यहाँ पे आप लोगों के कैमरा इंप्रूवमेंट काफी देखने को मिल जाती थी, जहाँ पे आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल गया था, 3D टच इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम एप्पल की तरफ से, और यहाँ पे जो आप लोगों को रेड रोज कलर देखने को मिलता है ना, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को आईफोन 6S एंड 6S प्लस के अंदर ही देखने को मिला था। फिर एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया आईफोन SE। अब ये आईफोन 5S के फॉर्म फैक्टर के साथ यहाँ पे आता था, बट यहाँ पे जो आप लोगों को हार्डवेयर देखने को मिलता था वो आप लोगों को आईफोन 6S का देखने को मिल जाता था, सेम प्रोसेसर देखने को मिलता था, सेम 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था, लेकिन जस्ट जो बॉडी थी वो आईफोन 5S की थी। फिर एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया आईफोन 7 एंड आईफोन 7 प्लस, जहाँ पे लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज तो आप लोगों को आईफोन 6S की तरह देखने को मिल जाता था, बट जो डिफरेंस आया था वो इसके इंटरनल अपडेट्स आए थे, जहाँ पे आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता था, एक फिजिकल बटन को चेंज करके स्टैटिक बटन बना दिया गया था, जहाँ पे आप लोगों को वाइब्रेशन फील होती थी, एक हैप्टिक टच फीडबैक मिलता था। अब ये मोबाइल आईफोन लाइनअप के अंदर फर्स्ट मोबाइल थे जहाँ पे आप लोगों को किसी भी किस्म का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता था। अलबत्त यहाँ पे कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया गया था, जहाँ पे आप लोगों को ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता था, जहाँ पे आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता था, जो कि काफी हाईलाइटिंग फीचर था और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फीचर भी रहा।
रहा था। उसके बाद एप्पल ने लॉन्च कर दिया आईफोन 8 एंड आईफोन 8 प्लस। अब ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि यहाँ पे आप लोगों को आईफोन 7 एस ही देखने को मिल जाता था डिजाइन वाइज, लेकिन इंटरनली यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाती थी। और यहाँ पे जो मेजर चेंजेस की गई थी वो यहाँ पे आपको बैक साइड पे ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती थी। अब ये फर्स्ट टाइम था कि एप्पल ने किसी भी आईफोन के अंदर एक ग्लास बॉडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, और फर्स्ट टाइम में ऐसा मोबाइल था जहाँ पे आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता था। और उसके बाद एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 10 जिसे आईफोन एक्स भी कहा जाता था, और ये एप्पल की 10th एनिवर्सरी के ऊपर लॉन्च किया गया था। और ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे आप लोगों को एलसीडी के बदले ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता था, टच आईडी के बदले फेस आईडी देखने को मिल जाता था, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों को फुली बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाता था विद अ नॉच। फिर एप्पल ने यहाँ पे लॉन्च किया अपना आईफोन 10s एंड आईफोन 10s मैक्स, जहाँ पे आप लोग आईफोन 10s के अंदर 5.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता था और आईफोन 10s मैक्स के अंदर 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता था। सेम ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता था, सेम फेस आईडी देखने को मिल जाता था। अलबत्ता यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट मिल जाता था A10 बायोनिक चिप का, जहाँ पे इंटरनल अपग्रेड्स काफी किए गए थे। अब ये एक मल्टीपल लॉन्च था जहाँ पे आप लोगों को एडवांस वर्जन भी देखने को मिल जाता था, एक नॉर्मल वर्जन आईफोन भी देखने को मिल जाता था। उसके बाद एप्पल ने लॉन्च किया अपना आईफोन 10R, जहाँ पे आप लोगों को सेम डिजाइन देखने को मिल जाता था आईफोन 10 की तरह, लेकिन ये एक सस्ता मोबाइल था जहाँ पे आप लोगों को एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता था 6.1 इंच का। रियर साइड पे आप लोग सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता था और 6 कलर्स में ये मोबाइल आता था। बट इसकी एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे आप लोगों को इंटरनली बिल्कुल आईफोन 10s मैक्स की तरह देखने को मिल जाता था, सेम प्रोसेसर सेम हार्डवेयर, लेकिन ये सस्ता इस वजह से आता था क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता था और रियर साइड पे एक ही कैमरा देखने को मिलता था। लेकिन ये काफी पॉपुलर गया था मार्केट के अंदर, यहाँ पे इसकी सेल्स बहुत इंक्रीज हुई थी। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आईफोन 10s या 10s मैक्स की बात करूं और यहाँ पे 26 मिलियन यूनिट सेल हुई थी अभी तक आईफोन की तरफ से, और कहा जाता है कि एप्पल का जो सबसे ज्यादा आईफोन सेल होने वाला यहाँ पे जो वेरियंट था वो आईफोन 10R ही था। उसके बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन 11, ये बेसिकली सक्सेसर था आईफोन 10R का, जहाँ पे आप लोगों को ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाते थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोगों को वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता था, और इवन यहाँ पे आप लोग वाइड एंगल को यूज करते हुए एक पोर्ट्रेट इमेज भी यहाँ पे क्लिक कर सकते थे, और यहाँ पे इन्हीं वाइड एंगल और नॉर्मल सेंसर को यूज करते हुए 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे इसी आईफोन 11 के अंदर। और इसी आईफोन 11 के अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस की गई थी स्लो फीस, जहाँ पे आप लोग फ्रंट कैमरा से एक स्लोमो वीडियो बना सकते थे। और यहाँ पे ये मोबाइल सस्ता था थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली थी एक एलसीडी डिस्प्ले। अब साथ ही एप्पल की तरफ से आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स भी लॉन्च कर दिए गए, जहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता था, एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता था, और एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता था, जहाँ पे आप लोग किसी भी लेंस को यूज करते हुए 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे। मल्टी एंगल फेस आईडी देखने को मिल जाती थी। डिजाइन एंड स्क्रीन साइज आप लोगों को सेम लाइक आईफोन 10s एंड आईफोन 10s मैक्स इतना देखने को मिल जाता था, जहाँ पे आप लोगों को 5.8 इंच की स्क्रीन और 6.4 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती थी। और ये यहाँ पे आता था एप्पल की लेटेस्ट प्रोसेसर A13 बायोनिक चिप के साथ। अब यहाँ पे आप लोगों को कैमरा इंप्रूवमेंट काफी देखने को मिल जाती थी और थोड़ी बहुत बड़ी बैटरी के साथ ये आईफोन प्रो मैक्स देखने को मिल जाता था। अब इसी आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर जो आप लोगों को एप्पल का लोगो देखने को मिलता है वो फर्स्ट टाइम सेंटर में कर दिया गया था। अलबत्त अगर इसी सारी कहानी को देखें आईफोन 1 से लेकर आईफोन 11 तक, तो ये नजर आता है कि यहाँ पे एप्पल ने काफी इंप्रूवमेंट की अपने सारे आईफोन के अंदर। और अब यहाँ पे ये भी चांसेस है कि एप्पल की तरफ से जो आप लोगों को लेटेस्ट आईफोन 12 देखने को मिलेगा इन फ्यूचर वो काफी इनोवेटिव मोबाइल होगा। अलबत्त ये तो देखेंगे टाइम टू टाइम, अभी तक जितने आईफोन लॉन्च हुए थे उसकी सारी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, सारी हिस्ट्री अच्छी लगी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सजेशन है नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @humayunmha। मैं तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह के नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।